अच्छा, आपको पता चल गया होगा कि आज मैं बनाने वाली हूँ जेन टैंगल्स। वेल, इसलिए सिर्फ पेन एंड पेपर की ज़रूरत है और कुछ नहीं, और उसके ऊपर बनाए पैटर्न्स। दिल और दिमाग में ना जो भी बनाने के लिए बोल रहे हैं वो बनाइए। देर इज़ एब्सोल्युटली नो रूल्स। वही, मैं भी कुछ सोच के शुरू नहीं कर रही हूँ, बस बनते बनते जो बनेगा वही बनाऊंगी। वैसे मुझे जितनी लगती है ना, ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो हर किसी ने डेफिनेटली बनाया होगा। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी कोई भी कॉपी उठा के देखिएगा, हर पेज में कुछ ना कुछ बनाई होगी मैं। मेरी तो रफ कॉपी की तो धजिया उड़ गई होगी, यही चीज़ों से भरी पड़ी होगी। नोटबुक की तो अलग है, थोड़ी बहुत मिलेगी, पर रफ कॉपी लिखाई कम होती है, यही काम होती है मेरी। वो क्या है ना, मेरे टेबल पे ना एक कॉपी और एक पेन हमेशा पड़ी रहती है, तो मैं मैक्सिमम टाइम वही टेबल के पास बैठी रहती हूँ। तो मुझे गुस्सा आती है तो मैं बनाती हूँ, मुझे रोना आती है तो बनाती हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ तो भी बनाती हूँ। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बनती रहती है। मैक्सिमम टाइम ना ऐसे मैं कॉपी चेक कर रही होगी, मतलब क्या लिखी हूँ क्या है देख रही होगी, तो मुझे मिल जाती है कि अच्छा, ऐसे मैंने कुछ बनाया है, ये तो अच्छा बन गया है। पर अगर उसको मैं रफ कॉपी में, आई मीन स्केचबुक में बनाने की कोशिश करूँ ना, वो इतनी अच्छी नहीं बनती है। मुझे जितनी लगती है ना, ये शायद सबके साथ होता होगा, आई मीन हर कोई ऐसा करता होगा। यही तो है जेन टैंगल्स, और है क्या, और कुछ है नहीं। पेन ऑन पेपर में आप जो भी पैटर्न्स बना रहे हो, सोच के नहीं, ऐसे ही ना सोच के कुछ भी बना रहे हो, तो वो है जेन टैंगल्स, और एक बहुत खूबसूरत है। सो जो नहीं बनाते हैं ना, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, इतना रिलैक्सिंग है, आपको मज़ा आएगा और बहुत कामनेस फील होगा, आप काफ़ी इजी एंड रिलैक्स फील करेंगे। वैसे इसका तो कोई रूल्स है नहीं कि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, कि मैंने सीखा नहीं है। अरे भाई, ना सीखे हो तो भी बनाओ, ये कोई सीखने की चीज़ तो है नहीं, आप आराम से रिलैक्स होके बनाओ। सो मेरी फर्स्ट वन कंप्लीट है ना, खूबसूरत। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो मैं अभी बना रही हूँ मेरी सेकेंड वन, वही बस एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत है नहीं, वही पेन एंड पेपर। तो मैं ऐसे दिमाग में कुछ सोच के शुरू नहीं कर रही हूँ, वैसे बनते बनते जो बनेगा वही बनाऊंगी मैं। वैसे ये एक्चुअली मिनिएचर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जो बहुत सारे पैटर्न्स की कलेक्शन से क्रिएट होती है। वेल, मैं वही सादा सा स्केचबुक से पेपर ली थी और वही 10 रुपये वाला मार्केट से पेन। वैसे मैं फाइन लाइनर की यूज़ की थी फर्स्ट आर्ट में, यहाँ पे सिर्फ वही जनरल स्टोर में मिल जाती है ना पेन, उसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा चलिए, अभी बताती हूँ जेन टैंगल्स के बारे में। इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, जेन एंड टैंगल्स। अच्छा, जेन क्या है? ये एक्चुअली बुद्धिस्ट मेडिटेटिव फिलोसफी है फॉर बैलेंसिंग योर माइंड। सो गोल ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इज टू अचीव काम, इट्स रिलैक्सिंग एंड फन। सो आप एंजॉय करते करते बनाते जाइए और बन जाएगी एक खूबसूरत आर्ट फॉर्म।
सेकेंड वन मेरा कंप्लीट। आप बताइएगा कमेंट करके मुझे कि आपको दोनों पेंटिंग कैसे लगे। सो इट्स जस्ट पेन ऑन पेपर एंड क्रिएट आर्ट, एंड इफ आर डूइंग दैट एंड हैविंग फन देन रेस्ट डजेंट मैटर। सो लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।